नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूँ रामरूप शर्मा। और जैसा कि आप लोगों को बेहतर पता होगा कि साइंस का पेपर, मैथमेटिक्स का पेपर, एसएसटी का पेपर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बोर्ड 100% रेडी है। जेई मेंस के एग्ज़ाम हो चुके हैं, 100% एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। एडमिट कार्ड आपका 1-2 दिन में आने वाला होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स की मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं। आज मैं आपको साइंस के लिए वीडियोस बता रहा हूँ कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली, जनरली, फ्रीक्वेंटली आते ही आते हैं, और उन क्वेश्चंस की तैयारी आपको जरूर करके जानी है। देखिए, साइंस में एक चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना होगा, आंसर वो ही है जो आपको आता है, केवल आपको क्वेश्चन को पहचानना है। मैथमेटिक्स और साइंस में ये थोड़ा उल्टा होता है। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन के कई आंसर होते हैं और साइंस में एक आंसर के कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, मान लो मैं कहूँ आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, तो वो भी उसमें भी आपको वही आंसर लिखना पड़ेगा अगर 2 नंबर का आता है रिएक्शन की हेल्प से। और अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताइए कि उनके नाम लिखिए केमिकल नेम, तो भी आपको वही आंसर लिखना पड़ेगा। तो साइंस में लिखने का तरीका, मैथमेटिक्स में लिखने का जो कंपैरिजन है वो ये होता है कि पहली 5-6 लाइन आपकी ज़्यादा करेक्ट होनी चाहिए, बाकी के जो मार्क्स हैं, बचे हुए जो स्टेप मार्किंग है, वो थोड़ी कम होती है। साइंस में टू द पॉइंट टीचर ऑलवेज जाता है। आप एक लाइन में क्या कहानी लिख रहे हैं, अगर आपने एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं डाला जो वर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो फिर वहाँ पर आपके मार्क्स कम आने के या ना आने के चांसेस हैं। अब मैं आपको चैप्टर वाइज बता रहा हूँ कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, आते ही हैं। जैसे हम चैप्टर वन से ही शुरू कर देते हैं, केमिस्ट्री से शुरू कर देते हैं, तो केमिस्ट्री में जो रिडॉक्स रिएक्शन है वहाँ से आपको 100% क्वेश्चन आएगा। या तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एक एग्जाम्पल दे दो, या फिर आपको एक इक्वेशन दे दी जाए और उस इक्वेशन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, या रिडक्शन किसका हुआ है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और या फिर रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, कौन है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से आपको क्वेश्चन आता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वन में केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री आपको पता है 23 मार्क्स की आती है, 25 मार्क्स की फिजिक्स और 25 मार्क्स का बायो आता है, और बाकी 7 मार्क्स के बचे हुए जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा जो आपका एक टॉपिक है रेंसिडिटी, वहां से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, और उसके बनने का रीजन ये है कि वो डेली लाइफ की हमारी चीज है। रेंसिडिटी के साथ में आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन, जहां मैंने कहा था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, या इसमें प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट का नाम क्या है, किसी भी तरीके से पूछा जाए आपको वही चीज़ है करनी है। ठीक है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये चैप्टर वन है जिनमें इन्हीं 4-5 क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसा भी लिखा हुआ है आपको आंसर वो ही लिखना है। कभी कभी कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैंने तो ये पढ़ा था कि प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन बताओ और प्रेसिपिटेशन का एक एग्जाम्पल बताओ, यहाँ पर तो आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है और उसमें प्रेसिपिटेट कौन सा है, आंसर आपको एज इट इज लिखना है। चलिए, अगर मैं चलता हूँ चैप्टर टू की तरफ, एसिड और बेस की तरफ, तो वहां पर 1 नंबर का क्वेश्चन पीएच वैल्यू से 100% आएगा। 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्ट से जरूर आएगा। 5 सॉल्ट है आपके, आप उन 5ों सॉल्ट की 3-4 चीजें हैं, जैसे केमिकल नेम है ना, केमिकल रिएक्शन है, प्रिपरेशन की रिएक्शन है, उसके साथ साथ में उसके यूजेज है, ये 3-4 चीजें सारे सॉल्ट की कर जाओ, 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आ जाता है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन आपका जो एसिड और बेस है उनकी प्रॉपर्टीज से आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज से, तो वो क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है, एसिड बेस की रिएक्शन यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर टू है। अब मैं बात करता हूँ चैप्टर थ्री की, तो चैप्टर थ्री जो है जिसका नाम है मेटल और नॉन मेटल, वहां पर 2 पार्ट है इसके। एक तो है मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, वहां से आपको फिजिकल प्रॉपर्टी से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एक्सेप्शनल जो प्रॉपर्टी है वहीं से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, कि ऐसा मेटल बनाइए बताइए जो लिक्विड होता है, ऐसा नॉन मेटल बताइए जो सॉलिड होता है, इस तरीके के आपके क्वेश्चन जनरली आते हैं। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टी से कि मेटल की जो रिएक्शन है वो एसिड से बताओ या वाटर के साथ बताइए, या वाटर में भी अलग अलग वाटर हो गए कि आप कोल्ड वाटर से रिएक्शन कैसे करेंगे, या फिर हॉट वाटर से कैसे करेंगे, या स्टीम से कैसे करेंगे, वहां से आपको क्वेश्चन आ जाता है। अब जो दूसरा पार्ट है वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सबसे पहला है
जब मेटल्स को हम मेटलर्जी में प्योरीफाई करते हैं, तो वहाँ पर आपके दो मेथड होते हैं, उनको आपको जरूर याद रखना होगा, उनकी डेफिनेशन। एक होता है रोस्टिंग और एक होता है कैल्सिनेशन। तो ये दोनों टॉपिक और इनकी इक्वेशन जरूर रख लें, ठीक है ना। और उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग 100% आपका किसी ना किसी टाइप में आता ही आता है। अब मैं चैप्टर 4 की बात करूं, तो चैप्टर 4 में देखिए बहुत अच्छा चैप्टर है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है केमिस्ट्री में। तो वहाँ पर आप फंक्शनल ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप आप जानते होंगे, मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन कैसे भी लिखा हुआ है आपको आंसर सेम ही देना है, राइट। फंक्शनल ग्रुप है आपका, एल्कोहल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, कीटोनिक ग्रुप है, और आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% आएगा। इथेनॉल से आपको क्वेश्चन 100% 1, 2 या 5 नंबर का आ सकता है। एसिटिक एसिड से आपका क्वेश्चन आ सकता है। सपोनिफिकेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। और साथ की साथ जो हमारे हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वहाँ से क्वेश्चन आपको 100% आएगा। तो ये कुछ टॉपिक है जहाँ से आपको 100% क्वेश्चन आता ही आता है। जो आपको याद हो उसके नियर अबाउट, उसके आंसर को ज़रूर लिखिए। चलिए अब मैं चलता हूँ आपके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, और जो इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में ट्रेंड से आपको क्वेश्चन जरूर आएगा, एटॉमिक रेडियाई पीरियड में बढ़ते हैं या घटते हैं, ठीक है ना, उसे टेबल फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो ट्रेंड से आपको क्वेश्चन जरूर करना है, सोच समझ के करना है। इसके बाद में जो डीमेरिट्स हैं, वहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, या लिमिटेशन जो है वहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो लिमिटेशन आपकी ऑक्टेव्स न्यूलैंड्स की हो, ठीक है ना, या फिर डोवर्नियर की हो, या मेंडलीव की हो, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हो, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये दो क्वेश्चन है जो जनरली आपको यहाँ पर बनते हैं। पहले 20 जो एलिमेंट है उनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी जरूर कर लें, क्योंकि वो वहाँ से भी वैलेंसी वगैरह पूछ लेते हैं। अब आ जाते हैं हम सीधे सीधे फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स में आप देखिए, आप लाइट में, फिजिक्स की लाइट में रे डायग्राम आप अच्छे तरीके से कर लो, तो 100% आपका 2, 1 या 2 या 3 नंबर का रे डायग्राम आपको आ जाता है, ठीक है ना। 8 और 8 16 रे डायग्राम है, वहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। और न्यूमरिकल भी इसी से आ जाता है, न्यूमेरिकल भी, रे डायग्राम अगर आपको बनाना आता है तो आप 100% न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए यू क्या होता है, वी क्या होता है, या एफ को क्या होता है, 2, 3, 4 एग्जाम्पल कर लें, ठीक है ना। उसके बाद में जो आपका कनकेव मिरर है और कन्वेक्स मिरर है, उसके यूजेस से भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन 100% आ जाता है, ठीक है ना। तो रे डायग्राम है और यूजेस है, रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन के 2 लॉ हैं, उन लॉ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन तो बहुत आसानी है, अगर आ जाए तो बल्ले बल्ले वो आप कर ही लेंगे, ठीक है ना। और पावर ऑफ लेंस, डायोप्टर, देखिए इसकी यूनिट है जो है, वहाँ से आपका 1 डायोप्टर क्या होता है, या पावर की यूनिट क्या होती है उसको डिफाइन करिए, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाता है। अगर मैं आपको ले चलूँ मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट में नहीं, इससे पहले मैं ह्यूमन आई में आपको बता देना चाहता हूँ। तो ह्यूमन आई में 1 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क का क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, आई के पार्ट्स जो होते हैं उनके फंक्शन से, ठीक है ना, या आप आई के जो डिफेक्ट होते हैं उनके करेक्शन से या रीजन से, आई डिफेक्ट से, ठीक है ना, ह्यूमन आई में जो चैप्टर है। और उसके साथ साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, ह्यूमन आई के पार्ट्स और आई डिफेक्ट और उनके करेक्शन, यहाँ से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में जो आपके ह्यूमन आई के बाद में जो दूसरे फेनोमेनल्स है, ठीक है ना, जैसे एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, वहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है या इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है ना, या आकाश नीला क्यों दिखाई देता है या काला क्यों दिखाई देता है, तो वहाँ पर आप जो है इन क्वेश्चंस के लिखने की तरीके जरूर करके जाए, 3 या 4 लाइन मैक्सिमम आपको लिखनी होती है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चला जाऊँ या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरफ चला जाऊँ, तो वहाँ पर सीधी सीधी बात है कि मोटर और जनरेटर, इन दोनों के आप प्रिंसिपल याद कर लो, इन दोनों के प्रिंसिपल के साथ साथ में इनकी डेफिनेशन याद कर लो, ठीक है ना, और इनके 2-3 पार्ट्स के फंक्शन याद कर लो,
ठीक है ना, तो यहीं से आपका क्वेश्चन आ जाता है। इसके साथ में सोलेनोइड का आना 100% निश्चित है। देखिए हम कभी कभी ये सोचते हैं कि भाई जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये तो बहुत आसान सी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स से क्वेश्चन आपको 100% आएगा ही आएगा, और सोलेनोइड भी उसको उसके अंदर ही आ जाती है, ठीक है ना। ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो क्योंकि वो जनरेटर का प्रिंसिपल है, तो वहाँ से भी आपका क्वेश्चन ईएमआई से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फ्लेमिंग के दो लॉ हैं, उन दो लॉ को भी जरूर कर लें, ध्यान रखना है, वो डायरेक्शन बताने के काम में आते हैं, वहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा। बायो की अगर मैं बात करूँ तो बायो में जो चैप्टर 6 है, पहली बात तो वहाँ से आपको डायग्राम बनाने के लिए जरूर मिलेगा 1-5 नंबर का, और दूसरी बात जो लाइव प्रोसेस है वहाँ पर चैप्टर, लाइव प्रोसेस में जो आपका खास तौर पे एक्सक्रीशन से क्वेश्चन कई बार ही आ रहा है लगातार, रेस्पिरेशन से क्वेश्चन आ ही जाता है, 3 टाइप की रेस्पिरेशन होती है, उन्हें अच्छे तरीके से कर लें। डाइजेशन में जो आपके एंजाइम वगैरह हैं उन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है ना, तो यहाँ से या हार्ट से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि डायग्राम भी आपका इसी चैप्टर से आएगा, तो ये चैप्टर 7-8 नंबर का बन जाता है, ठीक है ना। बाकी जो चैप्टर है उन्हें जनरली पढ़ते चले जाएं, और हर एक चैप्टर में से तीन चार नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो साइंस में इस तरीके की तैयारी करें और 100% आप निकल जाएंगे। कॉन्फिडेंस रखें, मेरी बात का बहुत ध्यान रखें कि आपसे ये पूछा जाए कि ह्यूमन आई की मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, तो भी आपको वही आंसर देना है, ठीक है ना। आपको अगर मायोपिया मैं भी अगर आपको ह्यूमन आई का मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट बताना है, तो भी आपको वही आंसर देना है। पावर ऑफ एकोमोडेशन में भी आपको वही आंसर देना है, यानी कि आंसर आपका वही है, क्वेश्चन बदल बदल का है। जिस तरीके से क्वेश्चन बदल का है उस तरीके से आप अपने आंसर की लाइन को बदल दो। तो इस तरीके से तैयारी करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे राइज बैच में जुड़ जाएं, और उसकी फीस केवल 500 रुपीज़ है, और अच्छे से तैयारी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।